सब उलमा का सियासत करना ठीक है या गलत है? मैं गाड़ी में लोगों को उठाता हूँ, जहां भी आता जाता हूं, तो एक लड़का पीजी कर रहा था पॉलिटिकल में, तो वो बैठ गया, कह रहे मौली साहब मुफ्ती साहब मैं एक बात बताऊं अगर आप नाराज ना हो। मैंने कहा बोलो। कह रहे आप वोट देते हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहे किसको देते हैं? मैंने कहा देते ही नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा इन लोगों से मैं तंग हूं, लिहाजा इनसे बचूंगा तो वोट नहीं देता। कह रहे मेरा ख्याल ये है, गुस्सा ना करना, कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। इनका क्या कहे, मदरसे के साथ मुंसलिक रहे। तो मैंने कहा उलमा के अलावा और लोग उनको तो आना चाहिए ना? कह रहे आना चाहिए। तो मैंने कहा जरदारी ठीक है? कह रहे नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ ठीक है? कह रहे नहीं। मैंने कहा इमरान खान ठीक है? कह रहे ने तो बड़ा धोखा दिया। तो मैंने कहा कौन ठीक है? कह रहे पता नहीं। खत्म हो गया। जब से पाकिस्तान बने हुकूमत किसके पास है? कह रहे गैर मौलियों के पास। मैंने कहा इनसे आप मुतमैन है? कह रहे नहीं। बात खत्म हो गई। मैंने कहा मौली सदर वज़ीर-ए-आज़म बना है? कह रहे नहीं। मैंने कहा अगली बात, वो तवज्जो वाली बात है, तवज्जो चाहिए और सुनकर भूल जाओगे, लिहाजा दिमाग में लिख लो, बाद में घर में लिख लो, ये बात घर में लिख लो। मैंने कहा हुजूर ने सियासत की है? कह रहे उन्होंने तो सियासत की है, खारिजा दाखिला पॉलिसी थी। उसने कहा हाँ, पॉलिटिकल था ना वो। तो मैंने कहा कि हुजूर ने 3 पाकिस्तान जितनी जमीन हमको दी है? कह रहे हाँ। मैंने कहा अबूबकर उमर ने 9 पाकिस्तान दिए हैं? कह रहे पता नहीं। मैंने कहा उस्मान अली ने 13 पाकिस्तान दिए हैं? कह रहे पता नहीं है। मैं अमीर मुआविया ने 24 पाकिस्तान दिए? कह रहे पता नहीं है। मैंने कहा सोरी गोरी मोहम्मद गजनवी सुल्तान टेपू अल तमश मोहम्मद अल फाते सुल्तान अब्दुल हमीद अयूबी अब्दाली हारून रशीद, इस तरह के 10 अफराद ने हमको 67 ममालिक पाकिस्तान जितने दिए हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान तुर्की चीन रूस की आजाद रियासत है, बांग्लादेश बर्मा इटली सिस्टली अटलांटिक साउथ अफ्रीका आता है आधा यूरोप सिक्यांग चाइना, ये तमाम हुकूमतें उन्होंने दिए। कह रहे हुआ कि आपने ठीक फरमाया। मैंने कहा हुकूमत है हम उलमा और दीनदार आपके हवाले करें, फिर जरदारी को बैठाए? कह रहे बस मैं समझ गया, बस मैं समझ गया। मेरे दिमाग से सारा खलश निकल गया। मैंने कहा अल्लाह वालों के पास हुकूमत होनी चाहिए, चोरों डाकू और जानी और शराबियों के पास नहीं होनी चाहिए। ये उलमा असेंबली में बैठे हुए हैं और उनको जवाब देते हैं, वरना ये कल बिस्तरा गोल कर दे, दीन का बिस्तरा गोल कर दे, पाकिस्तान का बिस्तरा गोल कर दे। मुझे एक आलिम पर करप्शन दिखाओ, चाहे शियो हो जुमात इस्लामी को लेदीस हो बरेलवी हो देवबंदी हो, एक पर करप्शन दिखाओ, किसी पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं। वो एडुकेट है हाँ, तो एक पर करप्शन दिखाओ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल उलमा का सियासत में होना फर्ज है।